लीजिए, कैप्सिकम एक कड़ी बनके तैयार है और आपको कैसा लगा अब जरूर ट्राई करिए और एक बार जरूर बनाइए। नमस्कार, मम्मी एमी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ कैप्सिकम एक कढ़ी बनाने। तो ये कैप्सिकम है, इसके अंदर मसाला डाल के मैं एक घंटा के लिए इसे रेस्ट पे रखे थे, अच्छी तरह से कटिंग करके धो लिए थे और इसे रेस्ट पे रख दिए थे। इसमें मसाला है लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और थोड़ी सी लहसुन अदरक के पेस्ट। और इधर तेल गर्म हो रहा है और ये एग है, इसे भी मैं मिर्ची और हल्दी पाउडर लगा करके रेस्ट पे रखी थी कम से कम 10 मिनट के लिए। अब इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। क्वांटिटी आपको जितना लेना है उतना ले सकते हैं। और इसके लिए जो सामग्री होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये सामग्री है, देखिए, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, इसके अंदर मिक्सी में पीसा हुआ है धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च और जीरा, और एक कटोरी से थोड़ी सी कम दही है, दो प्याज ली हूँ मैं, प्याज ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मीठा हो जाएगा, कैप्सिकम मीठा होता है। और इधर तेज़पत्ता और स्टार्च और दालचीनी, ये मैं फ़ौरन के ले ली हूँ, और नमक स्वाद अनुसार। तो देखिए फ्राई हो रहा है। थोड़ी सी जीरा, जीरा मैंने नहीं डाला था, भूल गई थी, ये देखिए जीरा निकाल लिया, शाह जीरा ले लीजिए या नॉर्मल जीरा जो होता है वो ले लीजिए, फ़ौरन के लिए थोड़ी सी चाहिए। आप लौंग इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने पीसने में डाल दिया है तो पीसी हुई, उसमें लौंग इलायची भी डली हुई है। तो ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है, सेमी फ्राई करना है, नहीं तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए सेमी फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं तेज पत्ता डाल रही हूँ, स्टार, जीरा, दालचीनी, लाल मिर्च, और दो प्याज। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करना, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, अगर आप ज़्यादा खा सकते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन बस मीडियम में ही बनाना है इसे। अच्छी तरह से इसे भूनना है, प्याज ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा थोड़ा भूनना था, इसे हाफ भूनी हूँ प्याज को। अब इसके अंदर कैप्सिकम को डाल देती हूँ। और आपको ज़्यादा डेट दिख रहा होगा तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसके अंदर तीखा नहीं है, इसे इसके साथ मिला के अच्छी तरह से भूनना है। जब मैं इसे रेस्ट पे रखी थी तो इसके अंदर थोड़ी सी नमक डाली थी, तो हल्की सी इसमें भी नमक है, हल्की सी अंडा में भी नमक है। और अब मैं मसाले डाल रही हूँ। दही और नमक, नमक स्वाद अनुसार।
अच्छी तरह से मिलाना है, नहीं तो दही फट जाएगी। दही मिल गया, अब इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब इसे खूब भुनाई करना है जब तक तेल ना छोड़ दे। मसाला भुन गया है, साइड से तेल छोड़ दिया है, मैं पानी डाल रही हूँ, जो मसाले का पानी था वही डाल रही हूँ। सब उबाल आ जाएगी, इसके अंदर अंडा डाल दूंगे, इसलिए मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ। अच्छी तरह से पक गया है कैप्सिकम और अच्छी तरह से बॉईल हो गया है इसके अंदर जो पानी डाले थे। अब इसके अंदर मैं एग डालूंगी। बिल्कुल आसान तरीका से बना है और खाना को बोझ समझ के ना बनाएं, खाना अंदर जाता है तो बहुत ही अच्छा फील करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ तरीका से खाना बनाएं और इतना हैवी ना कर दे इंग्रेडिएंट के चक्कर में कि ये डालू ये डालू ये डालू, बिल्कुल सिंपल बनाएं। तो मैंने वही किया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके अंदर। तो देखिए कितना सिंपल तरीका से मैंने कैप्सिकम एक करी तैयार किया है और आप इंजॉय कीजिए। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, बन के बिल्कुल तैयार हो गया, अब प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए कैप्सिकम एक करी बन के तैयार है और आपको कैसा लगा अब ज़रूर ट्राई करिए और एक बार ज़रूर बनाइए। और आपको ज़्यादा रेड दिख रहा है तो ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसी वजह से तीखा नहीं है। आपको तीखा जितना डालना हो उतना डालिए, बहुत ही यम्मी है। चावल से खाइए, रोटी से खाइए, जैसे आपको खाना वैसे खाइए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। और आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।